जीरो कह दिया जीरो, मैं इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। चार्ज ही नहीं है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नापने के लिए अपन को खुद से 1 कूलम यहां पे मानना पड़ता है, याद है? द फोर्स यूनिट चार्ज के कारण जो फोर्स रिलाइज होता है। तो आपने जीरो कैसे कह दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये प्लस वाला है, ये इस प्लस वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रेडिएट होगा। यस और नो? यू कैन से सपोज इट इज ई ए और ये बी पॉइंट माइनस में है, इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो इसी तरफ क्या जाएगा? ई बी। बेटा एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, याद करो। डाइपोल का यहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है, यस और नो? तो इसमें एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ओके? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb, 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at this point, is placed at this point. What is the force experienced by the test charge? अगर इस पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया जाए जिसका मैग्नीट्यूड है 1.5 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम, इस पॉइंट पर ये चार्ज अगर रख दिया जाए, वो क्वेश्चन खत्म, नया क्वेश्चन। अगर इस पॉइंट पर ये चार्ज रख दिया जाए तो बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा? ओके, आपको ये बताना है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। क्लियर? ये हो गया लास्ट टॉपिक। में थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं। अभी आपने यहां पे पढ़ा था कि अगर चार्ज पूरा का पूरा रेडिएट बाहर हो जाए, बाहर है, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। मुझे कोई बता सकता है कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? वी। कितना होगा पोटेंशियल? वी कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वी कितना होगा? आपके मन में मालूम क्या आ रहा है? आपके मन में आ रहा होगा सर वी भी जीरो होगा। नहीं आ रहा है? ज्यादातर बच्चों के मन में ये लगता है कि सर वी भी जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए पोटेंशियल भी जीरो। क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का? है कोई रिलेशन? रिलेशन है। उस रिलेशन को जानने के लिए पहले मुझे ये बताइए, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आता है? सही बोल रहे हो, किसका? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है माइनस डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी एक्स, करेक्ट? एक्स लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है, माइनस का डायरेक्शन के लिए है, डी बाई डी एक्स, वी को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। समझ में आया? तो इसलिए हर पॉइंट पर यहां पर ये भी कांस्टेंट होगा, मतलब अंदर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि हर पॉइंट पर भी कांस्टेंट है, इक्वल है। ओके, तो लिख लीजिए इस जानकारी को, वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना? अब आप पूछिएगा दोस्तों से कि ये बताइए हमें कि अंदर पोटेंशियल कितना होता है, इसको डिराइव करके बताइए आप, कहां से आया आपका ये पोटेंशियल? कुछ हमारे बच्चे तो अभी तक ये समझते हैं कि सर पोटेंशियल निकालने के लिए भी गॉस थ्योरम लगा देंगे हम, जबकि हमने ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलाई है कि पोटेंशियल निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो काफी क्वेश्चन कर लिए हमने, 8 क्वेश्चन कर लिया एनसीईआरटी के, 1.8 पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है? और बाकी आप लोग करके लाएंगे।